तो आज सीखते हैं हम रूबिक्स क्यूब। तो हाउ टू प्रिपेयर रूबिक क्यूब। तो रूबिक क्यूब में जनरली 3x3 के क्यूब में तीन लेयर होती है, द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर। ओके, तो इस लेयर में जो हमारे जो सेंटर के कलर है, सेंटर के कलर वो कभी चेंज नहीं होते। चेंज हमारे होते हैं ओनली दिस मिडल पीस एंड दिस कॉर्नर पीस। मिडल पीस में दो कलर होते हैं, जैसे इसमें है रेड और वाइट, वैसे कॉर्नर पीस में तीन कलर होते हैं, जैसे इसमें है रेड, ब्लू एंड देन वाइट। ओके, तो बेसिक शुरू करते हैं। बेसिक में हम पहले जान लेते हैं कि कौन सी साइड को क्या बुलाना है। तो हमारे राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की जो लेयर है उसको हम आर बुलाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लेयर को हम एल बुलाते हैं, अपर साइड के उसको यू, नीचे वाले डाउन को डी, फ्रंट को एफ और बैक को बी बुलाते हैं। ओके, ये सब जो आर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सब क्लॉकवाइज है, और उसके अपोजिट में जो डैश है, जब से जैसे आर प्राइम, एल प्राइम, एफ प्राइम, यू प्राइम, तो उसके एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट होगा, वो हम आगे सीखते हैं। तो पहली लेयर, हाउ टू प्रिपेयर पहली लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर कैसे प्रिपेयर करते हैं आइए सीखते हैं। तो मेरे पास ये दूसरा क्यूब है, इसमें हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ये हमारा सेंटर का पीस, मतलब एक कलर चूज करना पड़ेगा जिसे हम वो पकड़ के बेसिकली हम लेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो हमने इसमें कलर पकड़ लिया है, जैसे ब्लू, ब्लू कलर पकड़ लिया है। ब्लू कलर प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें इसका अपोजिट कलर देखना पड़ेगा, इसका अपोजिट कलर है ग्रीन। तो हमें ब्लू कलर के मिडल पीस, हमें वो ग्रीन चाहिए। ओके, जैसे मैंने ला दिए हैं। ओके, तो हमें अभी ब्लू के मिडल पीस ग्रीन आ गए हैं, तो उसका जो मिडल पीस है उसको मिडल पीस और सेंटर पीस में मैच करते हैं। ये रेड को रेड मैच हो गया और ये अपने नीचे 180 डिग्री नीचे चला जाएगा, ऐसे ग्रीन और ग्रीन मैच हो गया। सेम वाइट और वाइट, मिडल पीस वाइट और सेंटर पीस वाइट को मैच करते हुए हमें ग्रीन के पास लेके जाना है 180 डिग्री। ओके, सेम ऑरेंज के साथ ऑरेंज, उसको भी नीचे लेके जाना है, और उसे सिमिलरली येलो के साथ येलो, ग्रीन को नीचे लेके जाना है। ये आ गया हमारा प्लस, और प्लस के साथ ये मिडल पीस और सेंटर पीस भी मैच है सब, ऑरेंज ऑरेंज, येलो येलो, रेड रेड और दिस वाइट वाइट। ओके, अभी हमको चाहिए ये कॉर्नर पीस। कॉर्नर पीस लेने मतलब बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एक ग्रीन पीस है वो हमें इस नीचे की लेयर में चाहिए, एक तो वो राइट हैंड साइड में रहेगा, नहीं तो हमारे फ्रंट फ्रंट साइड में रहेगा, ये कंडीशन है। मतलब ये ग्रीन जो है, जो हम प्लस बनाए हैं उस प्लस का जो कलर है वो हमारे राइट हैंड साइड में होगा और तो अपने फ्रंट में होगा। ओके, तो है हमारे अभी राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो हमें इस कलर इस कॉर्नर पीस के दो कलर देखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ रेड और वाइट है, तो हमें रेड और वाइट सेंटर में ये पीस को लाना पड़ेगा। ओके, ये रेड और ये वाइट, हाँ, तो रेड और वाइट के बीच में ये ला दिया है। अभी देखना पड़ेगा एक ग्रीन पीस के जो आगे के पीस है वो ब्लैंक है, तो हमें इस नीचे के लेयर को इस तरफ घुमाना पड़ेगा और उसके अपोजिट जो लेयर है एल साइड वो नीचे लाना पड़ेगा। ओके, और फिर से वो वापिस नीचे लेयर, नीचे की लेयर वापिस, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लेयर ऊपर। ओके, तो हमारे पीस अभी बन गया है। फिर से ढूंढते हैं कि हमारा ग्रीन पीस कहाँ है। अभी देखिए ये तीनों पीस खाली है, नीचे आ गए हैं, तो हमें ये एक तो फ्रंट में और एक तो राइट में लाना पड़ेगा। तो जो ला देते हैं। ओके, ऐसे करते समय हमारा प्लस बिगड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए ये हमारा ग्रीन पीस आ गया, अपना राइट हैंड साइड में आ गया है। तो इसके दो कलर देखते हैं कौन से हैं, ऑरेंज और येल्लो, और ऑरेंज और येल्लो में ये पीस को लेके जाते हैं। ओके, ये ऑरेंज और येल्लो के बीच में ये पीस आ गया,
अभी देखिए इसके दो कलर, मतलब ए लेयर के जो दो कलर होंगे उसके साइड में कुछ इसको घुमाना है, डाउन वाले साइड को, उसके अपोजिट साइड को नीचे लाना है, फिर से वापस वही करना है और ये ऊपर। तो देखिए हमारा ये भी पीस बन गया है। अभी चलिए दूसरा ढूंढे। हाँ यहाँ है, तो ग्रीन के दो साइड, दो कलर, रेड और येलो, रेड और येलो के बीच में है राइट, ये दो ब्लैंक है, तो मैं इसके साइड में घुमाऊंगा, इसमें इधर घुमा दिया, अभी उसकी अपोजिट साइड को नीचे लाऊंगा, फिर से अपने वापस और ये ऊपर, ये बन गया। और ये अब हमारा ये रह गया, अभी ये जो ग्रीन है ये ऊपर है तो हमें फर्स्ट टाइम इधर चाहिए, तो इसको हम इधर ला लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन अपने आगे आ गया, इसके साइड के कलर देखेंगे कौन से, ऑरेंज और वाइट, ऑरेंज और वाइट के बीच में है, हाँ कॉर्नर पीस बीच में है राइट। तो अभी ये दो ब्लैंक है तो इसके साइड में घुमाऊंगा, इसके अपोजिट साइड नीचे लाऊंगा, फिर से वही स्टेज और ये ऊपर। तो देखिए हमारा पहला फेस बन गया, उसके साथ में ये पहली लेयर भी कंप्लीट है, देखिए आप देख सकते हैं, येलो रेड वाइट एंड देन ऑरेंज एंड देन दिस फेस मतलब ग्रीन। तो देख सकते हैं कि हमारा, देखिए ये सेंटर पीस, सेंटर पीस और ये लेयर कंप्लीट है, यहाँ भी सेंटर पीस और ये मैच है, रेड मैच है, यहाँ भी येलो और सेंटर मैच है, या ऑरेंज और सेंटर मैच है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई। तो अगली वीडियो में देखेंगे कि हम हमें सेकंड लेयर कैसे बनाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।